तो माइनक्राफ्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और यहाँ पे मेरा छोटा भाई मुझे बोल रहा था कि मैंने अपने घर को एक्सप्लोर करके या फिर जो डेकोरेशन वगैरह की है ये मैंने किसी भी वीडियो में नहीं दिखाया था। तो ये लो, सबसे पहले तो ये दिखा देता हूँ। ये ऊपर मैंने एक लैंप लगा दिया था और ऊपर साइड में इस तरीके का डीप सेट के साथ एक छोटा सा वॉल लगा दिया था जिसके नीचे एक फेंसिंग लगा दी थी। और यहाँ पे 3 बैरल्स मैंने लगा दिए थे, नीचे जंगल के ट्रैप डोर्स थे। सर देखते हैं, तो क्या ये जंगल के नहीं, ये तुम्हारे उसके ट्रैप डोर्स है, जंगल लॉक्स के नहीं, ओक के सॉरी ओक ट्रीज के जंगल लॉक्स है। और मेरी जैसे ये गलती मत करना, जो जंगल के लॉक्स है उनसे घर मत बनाना भाई, टेक्सचर बहुत ही गंदा है। स्प्रश ट्रीज या फिर डार्क ओक लॉक्स यूज़ करना, मेरे पास उस टाइम पे ये नहीं थे तो इसके लिए मुझे, हाँ एक अच्छा तुम्हारा ऑल्टरनेटिव हो सकता है बर्च के ट्रीज या फिर ओक, मुझे पता नहीं मैंने क्यों ओक के नहीं यूज़ किए। तो ये देखो, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने किचन बना लिया है। यहाँ पे ये पानी ऐसा आता है, ये ट्रिप वायर है ऑब्वियसली तुम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो एक सेकंड वो घोड़ा उधर पे क्या कर रहा है, उछल रहा था। और यहाँ पे हम लोगों ने स्मेल्टर लगा दिया है, स्मेल्टर के अंदर कुछ अभी है नहीं, मुझे पता नहीं कि यहाँ से धुआं क्यों नहीं निकल रहा। मैंने नीचे फायर प्लेस लगा दिया था लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पे चेस्ट वगैरह है, चेस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे खाना वगैरह सब्जी मंडी ये सब रखता हूँ। इधर पे एक छोटा सा मशरूम लगा दिया है पॉट के अंदर, इधर पे कुछ ऐसा रखने का प्लान है। और एक देखो, एक बात मुझे ना यहाँ पे पता नहीं थी कि ये जो ट्रैप डोर्स वगैरह है, अगर ये ट्रैप डोर्स तुम्हारे नीचे की तरफ ओपन होते हैं, ये जंगल का ट्रैप डोर है तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इसके ऊपर तुम लोग ये सारी चीज़ें रख सकते हो पॉट वगैरह। लेकिन अगर सपोज़ ये ऊपर की तरफ फोल्ड होता है तो तब नहीं रख सकते। ये मुझे आज ही पता चला जब मैं नीचे अंडरग्राउंड बेस पे काम कर रहा था उसके ऊपर। तो ये देख सकते हो हमारा, ओ ऊपर भी दिखा देता हूँ। तो इधर ऊपर हमारे पास जो नेदर की चीज़ है मैंने वो यहाँ पर रख दी है। और नेदर में मुझे जाना पड़ गया था, वो जो मेरा पुराना बेस था उधर से जाके, तो क्योंकि यहाँ मैंने अब तक नहीं बनाया है। और इसके बाद यहाँ पे भी वैसा कुछ नहीं है, देख सकते हो मास वगैरह है। उधर पे हमारे पास एक मशरूम वगैरह है। और मुझे एक बात नहीं पता थी कि जो मशरूम है, मशरूम को हम लोग बड़ा मशरूम बना सकते हैं। मुझे नहीं पता कि यह सच है या फिर नहीं, क्योंकि मेरे छोटे भाई ने मुझे बताया कि हमें बीच बीच में जो डार्क ओक फॉरेस्ट में या फिर डार्क फॉरेस्ट में देखने को मिलता है ना, बड़े बड़े मशरूम्स उग चुके हैं। तो मैं सोचता था कि उनको हम लोग नहीं उगा सकते, लेकिन नहीं, हम उनको मैनुअली उगा सकते हैं। और यहाँ पे एक चेस्ट है, इस चेस्ट के अंदर हम लोगों को मच्छी वगैरह देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ है, क्राफ्टिंग टेबल है। यहाँ पे मैंने एक कुछ अलग तरीके का लॉग रखा है। इधर पे ये सारे बैरल्स हैं, हर बैरल्स में मैंने अलग चीज़ें रखी है। इधर पे देख सकते हो स्टोन के लिए है ये, अबे ये वो मुर्गी अंदर आ गई। यहाँ पे ये है जो हमारे पास वो चीज़ें हैं वुड की, लकड़ी वगैरह तो उनकी। और यहाँ पे इनको क्या कहते हैं, ग्लास वगैरह या फिर ड्रिप स्टोन वगैरह, और ये वूल वगैरह यहाँ पर रख देते हैं। स्नो वूल भी मैंने अभी के लिए यहीं पे सेटअप किया है। इन सारी चीज़ों को मैं नीचे भेज दूंगा अंडरग्राउंड में, वहाँ पे जो हम लोग बेस बना रहे हैं अभी शीशे से देख सकते हैं। उधर पे वो हो रहा उस जगह पे, वहाँ पे बड़ा बाहर भी एक रूम बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो पेड़ के सैपलिंग्स वगैरह है वो सब कुछ, मेरा प्लान ये है कि जितने भी तरह के पेड़ हैं मैं सबको हमारे पास ये सैपलिंग रखूँगा और एक गार्डन टाइप का बनाऊँगा छोटा छोटा। तो देखो मुझे लिटरली सारे ट्रीज मिल चुके हैं, बस या ओवरवर्ल्ड के नेदर के नहीं, सारे ट्रीज मिल चुके हैं बस एजलिया को छोड़ के। इधर पे मैंने क्या है, ये कुछ खदान की चीज़ें मिजे हैं। और यहाँ पे मैं अपने ओर्स वगैरह रखता हूँ, गोल्ड ओर, गोल्ड सिल्वर और उसको क्या कहते हैं भूल गया नाम, आयरन। तो ये देखो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हो रखी है। अब देखो जंगल, जंगल मेरा उस साइड पर है इसलिए मैं जंगल के अभी तक गार्डन नहीं बनाया, लेकिन ये गार्डन को मैं फेंस के साथ जोड़ दूंगा बहुत जल्दी। तो इधर पे हम लोग देख सकते हैं, इधर पे देख सकते हो ये एक डार्क ओक और उधर पे एक और डार्क ओक लगा चुका है। तो मैं सोचा कि ये ऊपर की वो जो जगह है वो डार्क ओक के साथ में भर दूंगा या फिर वो पीछे कहीं पर करेंगे। और यहाँ पे ये चीज़ जो तुम देख सकते हो, यहाँ पे जो शुगर के मैंने रखी है, नीचे यहाँ पे पानी है, बस मैं गिर ना जाऊँ। तो ये जो यहाँ पे एक मैंने ये ट्रेड कर दिया था, मैंने ये बता दिया था अपने तुम्हारे किसी एक वीडियो में, जो ये मैं ट्रेडर के साथ ट्रेड करके ये जो चेरी ब्लॉसम वाला सैपलिंग है ये मैंने ले लिया था। भाई चेरी ब्लॉसम भाई देखने में बहुत अच्छा लगता है, या नीचे से जो ये चेरी ब्लॉसम के पत्ते वगैरह नीचे गिरते हैं ना भाई, देख के मज़ा आ जाता है, अलग एक व्यूइंग एंगल आ जाता है। तो देखो चेरी ब्लॉसम ट्रीज मेनली हमें देखने को मिलते हैं चेरी ग्रोव पे, जो कि बहुत ऊंचाई पे होते हैं। तो देख सकते हो वो ऊंचाई वाली जगह, तो वहाँ पे मैं चेरी का गार्डन बनाऊंगा वो ऊपर पे। और यहाँ से ऊपर जाने के लिए एक लिफ्ट में शायद बनाऊं, लेकिन मुझे पता नहीं, ये जो स्ट्रेट तो ऊपर चट्टान नहीं गई है लिफ्ट बनाने के लिए, मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए। मुझे सोल सैंड भी ढूंढ कर लाना पड़ेगा, लावा स्टोन तो मिल जाता है, मैग्मा स्टोन, लावा नहीं। और फिर मुझे ये जो देख सकते हो बर्च, तो इस जगह पर बर्च की कुछ गार्डन वगैरह बना देंगे फ्यूचर में शायद, और ओक शायद इसके आसपास बना दे, लेकिन उधर पे मेरा स्प्रश गार्डन बनेगा। वो देख सकते हो स्प्रश ट्रीज मेरे बहुत सारे उग चुके हैं, मुझे पॉडजोल्स भी आ चुके हैं। देखो मेरा भाई मुझे कह रहा है कि ये मतलब बहुत ही गंदा हो गया ये जगह, लेकिन देखने में भाई मुझे तो अच्छा लगता। एक सेकंड किधर गया, हाँ ये देख सकते हो हमारे पास हमारा खुद का पंछी आ चुका है, मेरे ऊपर बैठ चुका है।
एक सेकंड मैं तुम लोगों को थोड़ा व्यू एंगल चेंज करके दिखा देता हूँ। सेटिंग्स पर जाएंगे, अब मुझे आ गया है कि कैसे इसको चेंज करना होता है। फिर वीडियो पर जाएंगे, फर्स्ट पर्सन से जाएंगे, थर्ड पर्सन बैक नहीं, थर्ड पर्सन फ्रंट। तो अब रिज्यूम करेंगे, ये देखो, ये हमारे ऊपर एक तोता आके बैठ चुका है। तोता या फिर पक्षी है, जो भी इसका नाम है मुझे नहीं पता। तुम्हें पता नहीं इसको मतलब टेम करने के लिए मुझे इसको कितने सारे सीड्स खिलाने पड़े थे। मेरे छोटे भाई ने मेरी आकर बहुत मदद की थी, पृथ्विश ने, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ना वो बोल रहा था कि इसको कुकी खिलाने को। अब देखो मुझे पता नहीं कि कुकी खिलाने से इनको क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि देखो नॉर्मल मेरी जो नॉलेज है, मैं पहले बायोलॉजी का स्टूडेंट था, तो मेरी जो नॉलेज कहती है कि पक्षियों को मैंने नहीं देखा कि पक्षियाँ ये बिस्किट वगैरह खाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको खिलाना सही रहेगा। अगर तुम्हें से किसी के पास नॉलेज है तो मुझे बताना कि इसको कुकी खिलाने से क्या होता है। ठीक है, जैसे तुम देख सकते हो कि चेन आर्मर मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं चेन आर्मर पहन कर रखा है। तो यहाँ पर तो ये हो गया, अब बाकी हम लोग अब जाएंगे, थोड़ा व्यू एंगल चेंज कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत रात हो चुकी है, तो मैं तुम लोगों को ये दिन में दिखाऊंगा। उससे पहले हम लोग थोड़ा पास ही में घर है, तो घर में जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। ऑब्वियसली रेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन दिन का उजाला ले आते हैं तो देखने में भी आसानी होगी। ये यहाँ पर जाएंगे, और ये हमारी एक छोटी सी, थोड़ा आगे जाओ, दो मंजिला इमारत है। यहाँ पर देख सकते हो एक पेंटिंग भी है, मुझे पता नहीं ये पेंटिंग ऊपर क्या बना हुआ है। तो यहाँ पे एक चेस्ट है, ये थोड़ा सिक्योर वाला चेस्ट है, लेकिन पता नहीं मैंने यहाँ पे क्या रखने के लिए इसको रखा था। तो यहाँ पे हम लोग सो जाएंगे। हमारा पक्षी पता नहीं किधर गया, आसपास से कहीं होगा, मेरे ऊपर तो बैठा हुआ था, वो अभी बैठा हुआ है। एक सेकंड, मैं इसको लेकर ही सो गया था। चलो छोड़ो, नीचे आता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा कारपेट भी लगा दिया था। यहाँ पे आ जाएंगे, और ये सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे बैम्बूस लगा दिया है इतने सारे, लेकिन मुझे इनको हटाना पड़ेगा क्योंकि सामने का जो व्यूइंग एंगल है वो ख़राब हो रहा है। क्योंकि देखो एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि बैम्बूस को अगर हम ये शुगर केन की तरह यहाँ पे पानी के साइड में लगा तो ये जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये बीच पे कहीं पे ग्रो नहीं होते, लेकिन ये ऐसा मैंने नोटिस किया है। तो क्या दिक्कत होता था, हाँ, तो यहाँ पे बैम्बूस हो गए मेरे पास, गिनला कितने कितने ट्रीज़ हैं। ये डार्क ओक ट्रीज़ हो गए, नॉर्मल ओक ट्री हो गया, वो रहा बर्च ट्री हो गया, पास में मेरा जंगल है, जंगल ट्रीज़ भी हैं। उधर पर ये चेरी ब्लॉसम का सैपलिंग भी आ गया था, चेरी ब्लॉसम ट्रीज़ आ चुके हैं। ये रहा नॉर्मल ओक, और ये है हमारा स्प्रश ट्रीज। अब देखो इसको मैं गार्डन की जो शुरुआत है ये मैंने इस तरफ से कर दिया है, ये फेंसिंग लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हो इनको उगाने का तरीका ही थोड़ा अलग है, या फिर अटपटा सा है। शायद मैंने ये बताया था अपने किसी वीडियोस में पहले या फिर नहीं, लेकिन ये अगर हम चार सैपलिंग्स के साथ उगाएंगे तो देख सकते हो बहुत ऊँचा उग जाता है। सिर्फ यही ऐसे पेड़ है, शायद जंगल को भी हम चार के साथ उगा सकते हैं। और वो डार्क ओक तो बिना चार सैपलिंग्स के तुम्हारे उगेंगे ही नहीं, बहुत मुश्किल। ये ट्रेडर का बच्चा फिर से दसा इधर आ गया, आ जा, देखते हैं तू कौन सा ट्रेड देने वाला है। एक सेकंड, अरे किधर गया। तुम्हें पता है जिनने ऑफलाइन खेल रहा था ये ट्रेडर, अबे तू भाग किधर रहा है, ये ट्रेडर मेरे घर में घुस गया था। तो क्या दे रहा है, नॉटिलस शेल, और क्या है, ब्लू आइस, ये क्या है, बीटरूट सीड्स। अरे मेरे पास में इतने से बीटरूट उग चुके हैं। ये क्या है, वाइट ट्यूलिप। तो ट्यूलिप लगता नहीं, मुझे कमेंट में बताना कि मुझे नहीं पता कि ट्यूलिप क्या रेयर पौधा है या फिर नहीं है। एक सेकंड, दूसरे इधर का कहाँ गया, अच्छा तू इधर है, वो रही एक फ्री की लीड मिल गई। ये ट्रेडर जब भी आता है ना मुझे फ्री की लीड देकर चला जाता है। एक और लीड शायद मिल जाएगी, ये रही, लो दो लीड ऐसे ही मिल गई हमको। एक्चुअली मुझे लेदर भी चाहिए, तो तुम जाओ प्लीज़, आप जाइए, मुझे वो चाहिए। क्या डैमेज नहीं पहुंच रहा, मिलेगा, नहीं मिला मुझे लामा से। तो एक्चुअली वो मिलते थे ना, इधर तो नहीं मिला मुझे। वो नाम क्या है उसका, अरे वो चमड़ी जिसको कहते हैं लेदर तो मिलती है ना। एनीवेज तो मैंने उस तरफ भी ये बना दिया था। अब देखो बॉन्सो भाई, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो देखो, तुम्हें पता होगा मुझे लंबी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा पसंद है। तो इस जगह पे मैं एक लाइट हाउस बनाने का मेरा प्लान था, या फिर ट्री हाउस, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं, तो इसको मुझे काट के फिर से बिठाना पड़ेगा इसके लिए। और एक अच्छी बात यह है कि मुझे नहीं पता था कि मैनग्रोव को कैसे उगाना होता है। मैंने इस ट्रेडर के साथ थोड़ी चापलूसी करके एक मैनग्रोव का सैपलिंग ले लिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो मैनग्रोव का सैपलिंग है। लेकिन फिर मैंने गूगल में थोड़ा सर्च किया और मैनग्रोव को पता चला कि हम सैंड पर नहीं उगा सकते, लेकिन वो अलग बात है कि सैंड पर इसके जो जड़ें हैं आ चुकी हैं, ये मैनग्रोव रूट्स हैं। और देखो मैनग्रोव ट्री कुछ अलग सा ही दिखने में, मुझे तो दूसरे एक बड़ा क्रीपर लगता था, लेकिन कोई बात नहीं। मैनग्रोव का हम लोग इधर पे नहीं, थोड़ा उस साइड पर जाके गार्डन वगैरह बनाएंगे, क्योंकि पता नहीं अगर बायोम चेंज हो गया तो। ठीक है, तो अब देखो मुझे बैम्बू की बहुत ज़रा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बैम्बूस की ज़रूरत पड़ती है जब तुम बहुत ऊँचे ऊँचे बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हो तो उस जगह पर। और ऐसे स्कैफोल्डिंग बनाने में, क्योंकि स्कैफोल्डिंग के साथ ये ओक ट्रीज को, नहीं इसका नाम क्या है,
स्प्रश ट्रीज, मतलब पाइन ट्रीज जो भी कह लो, तो पाइन ट्रीज को छोटा करने में, फिर काटने में बहुत आसानी होती है। तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या करने वाले थे, फेंसिंग लगा रहे थे, तो फेंसिंग चलो इस वीडियो में पूरा करके जाते हैं। ये लामा तो इधर भी रह गया, तो उस पर, और मेरे भाई ने ये भी बोला है कि अगर कोई ट्रेडर को, हम लोग वो पोशन पी रहा था इनविजिबिलिटी का, तब उसको अगर मार देते तो हमें वो इनविजिबिलिटी का पोशन मिल जाता है। अब ये मुझे फ्यूचर में ट्राई करके देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता नहीं है मिलता है या फिर नहीं। तो इसके फेंसिंग, अच्छा फेंसिंग के लिए मुझे स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, एट इस 30 फेंसिंग। ओ अब ये कम हो गए, तो इतने काफ़ी होंगे आई थिंक। आ जाओ, और चिंता की बात नहीं है, मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उस पर मैं अपने नीचे का बेस फिर से एक्सप्लोर कराऊंगा, क्योंकि वो भी तुम लोगों को दिखाना है कि मेरा कैसे कैसे वो बेस हो रहा है भाई। मतलब अलग ही जगह डिज़ाइन बनाएंगे हम इस जगह पे। तो ये अभी के लिए तुम हाँ, तो ये तो बाहर आ गया, तो हम इसको लाएंगे इधर और इसको इधर पर लगा देंगे भाई। इसको भी बाहर डिज़ाइनिंग करेंगे, इधर पर एक लैम्प पोस्ट टाइप का बनाएंगे मिडिवल एरा का। और ये जाओ इधर, ये इधर, ये इधर, फिर ये। एक्चुअली मुझे फेंसिंग कहाँ तक लगानी चाहिए, बीच पे अंदर घुसने के लिए मुझे डोर भी टाइप का बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, वो डोर भी बना के ले आते हैं अभी के लिए। क्या मेरे पास था, और ये फेंसिंग, ओ एक चीज़ देखो यहाँ पे मेरे पास ये पॉइजनस पोटैटो, जहरीला आलू मेरे पास कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता। मेरा भाई तो देखो मुझे समझा नहीं पाया कि ये जहरीला पोटैटो कैसे बनता है, लेकिन जब मैं नॉर्मल पोटैटो माइनिंग कर रहा था, मतलब उखाड़ रहा था नॉर्मल आलू, तो उन्हीं आलू में से कुछ जहरीले आलू निकल गए थे, पता नहीं कैसे आए। तो थोड़े अब ये भी बना लेंगे, एक बनाते हैं एक्चुअली, और मैं डार्क ओके बना सकता हूँ तो बना देता हूँ। एक्चुअली मैं मैंग्रोव को ही बना सकता हूँ, तो मैंग्रोव के बना देता हूँ। तो ये इधर आ जाओ, ये उधर पे हम लोग लगा देंगे इस जगह पे। अच्छा पीछे हटना पड़ेगा, ओ ऐसे नहीं लगाएंगे नहीं तो उल्टा लग जाएगा। अब ठीक है ये ऐसे, और उस साइड का पहले ख़त्म करके आते हैं काम। तो इधर पे एक ऐसे ऐसे जाएगा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं जगह को, बस मेरा बायोम चेंज मत कर देना बाद में। मतलब ये प्लेन बायोम पूरा टाइगा बायोम बन गया वैसा कुछ। एक फेंस नीचे जाएगी, दूसरा इधर आ जाएगा, आई थिंक मुझे इधर भी एक लगानी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसे कूद के, हाँ मैं इधर से कूद के बाहर जा सकता हूँ, तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है, और ये थोड़ा इधर, अच्छी बात है घास अपने आप उखड़ गया इधर से। ये ट्रेडर अंदर कैद ना हो जाए बाद में, नहीं तो फिर को मुझे इसको इधर से निकालना पड़ेगा। इधर भी ना मुझे एक्चुअली थोड़े गेट्स वगैरह बनानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर यहाँ भी मैं पेड़ लगा देता ऊपर से कुछ चीज़ें बाहर गिर गए तो मुझे फिर से उधर से घूम के आना पड़ेगा। जैसे कि इधर देख सकते हो कि मेरा ये जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी है। एक वीडियो में मैं तुम लोगों को ये भी दिखा दूंगा कि इन ट्रीज को मुझे काटना कैसे है। मतलब ये अब देखो मैं प्रो प्लेयर तो नहीं हूँ, अब तक शायद एक महीने का आसपास होने को आया है जब मैं माइनक्राफ्ट खेलना शुरू करने किया है। तो मेरा प्लान ये है कि सारे ट्रीज मेरे एक जगह पर रहनी चाहिए ताकि मैं एक्सेस मुझे मिल सके सर्वाइवल में सारी ट्रीज का, ताकि मैं जब चाहूँ तब अलग अलग टेक्सचर्स के वुड वगैरह इकट्ठा कर सकूँ। तो अब मुझे उसके लिए इधर चले जाते हैं, फेंसिंग को पूरा कर लेते हैं पहले, और ये स्टिक्स कम हो गई हैं। आई थिंक नहीं फिर से लगेंगे, लेकिन अभी इनके साथ चले जाते हैं। तो देखो उधर का शायद कंप्लीट नहीं हुआ है। और एक्चुअली मैं एक बात बताऊँ, मतलब ये माइनक्राफ्ट का मेरा जो ये वर्ल्ड है, यह तो तुम लोगों को पता है कि यहाँ कभी ना कभी तो बारिश आ ही जाती है, और मेरे रियल वर्ल्ड पे भी यहाँ पे मेरे बाहर घर के बाहर बारिश हो रही है। अलग ही मतलब मुझे पता नहीं मेरे साथ बारिश का नाता है क्यों है पता नहीं। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ लगानी पड़ेगी, वो हम बाद में देख लेंगे, पहले तो ये घास फूस वगैरह मुझे साफ़ करनी पड़ेगी। एक्चुअली मेरे पास क्या अभी सैपलिंग्स बिल्कुल है,
तो शुभ काम में देरी कैसी? इस जगह पे एक, दो, तीन, चार, जगह खाली है ना? बिल्कुल, बस अब ट्रीज को उगने की जो देर है। तो इसका तो हो गया, इधर का मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे किस तरीके से मैं इधर की फेंसिंग लगाऊंगा। तो पहले इधर का आने दो, थोड़ी अब इधर पे नहीं लगानी थी, इधर पे मुझे फेंसिंग लगानी थी। एक, दो, तीन, चार, ये सही जा रहा हूँ, वो ट्रेडर अंदर ही अटक जाएगा आई थिंक। हाँ, इधर से हम लोग बाहर खींच सकते हैं। थोड़ा उस साइड पर रखे क्या? नहीं, रहने देते हैं इसको, थोड़ा इस साइड से ही लगाना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से यार फिर से रात होने वाली है, देखते देखते दो दिन गुजर गए माइनक्राफ्ट में एक वीडियो में। तो प्लैंक्स 9 से ज़्यादा नहीं बनेंगे, स्टिक्स आ जाओ, फिर से प्लैंक्स। एक्चुअली ना ये मैंगो फ्रेंड्स गेट है ना, तुम भी आ जाओ, एक और गेट ले लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ ही जाएगी। इधर कुछ था क्या? नहीं था। ट्रेडर तो बाहर आ जा, समझदार है, बच गया, नहीं तो तुझे मुझे फिर से ऊपर भेजना पड़ता। अब एक साथ इतनी सारी कैसे लग गई? ये फिर भी मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये क्या हो रहा है भाई? एक साथ तीन लग गई। अब ये मत बताना कि मुझे ये ग्लिच हो रहा है। तो इधर भी मुझे फिर से वही चीज़ करनी पड़ेगी, दो तीन लगाने पड़ेंगे। मैं एक्चुअली अंदर आ जाता हूँ। इसको तो अलग ही मज़े हैं इस ट्रेडर के। आई थिंक ये जगह सही रहेगी उसको लगाने के लिए। अभी के लिए इसको इधर पर लगा देते हैं, बाद में अगर मन करे तो चेंज कर देंगे। यार अभी बहुत फेंसिंग करनी बाकी है। तो आई थिंक इतनी जगह खाली रखनी चाहिए बाहर जाने के लिए। उस तरफ पानी वगैरह है ना, उस तरफ ये चीज़ें भी देखने को मिल जाती है। यार मेरी फेंसिंग ख़त्म हो गई। अच्छा तो कोई नहीं, मैं इसको फिर से, मैं इसको भी बाद में जोड़ दूंगा, तो उस पर कोई दिख। तो फिर से अंदर आ गया। हाँ मुझे पता नहीं मैं इसका क्या करूँगा। तो बाकी अब देखना पड़ेगा मुझे क्या होता है इसके अंदर, मुझे डर्ट आके ये भरना पड़ेगा पूरी जगह। ये पॉटिसोल के अंदर आ जाए तो अच्छी बात रहेगी। और वो गेट किधर है? इधर है। एक्चुअली थोड़ा बड़ा ही बगीचा नहीं बन गया ये वाला? चलो कोई नहीं, मुझे बहुत ट्वीस की ज़रूरत तो पड़ेगी। चलो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अब ये और इस ट्रेडर का मुझे कुछ करना पड़ेगा। चलो मैं तुमसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।